नमस्कार दोस्तों, किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए एक बहुत ही खास खबर है। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में वहाँ के सर्जन्स ने एक पशु के किडनी को सक्सेसफुली ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया और खुशी की बात यह है कि एक महीने के बाद भी वो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है और वो व्यक्ति जिंदा है। मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच में एक खुशी की लहर है, प्लस ये किडनी के मरीजों के लिए एक होप पैदा करता है जिनको किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि उनको कोई डोनर नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस नए रिसर्च के बारे में समझते हैं। किडनी के मरीजों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के समय में डोनर की बहुत शॉर्टेज होती है, इस बात को डॉक्टर्स अच्छी तरह से जानते थे। अमेरिका के एक हॉस्पिटल NYU लैंगवन हेल्थ, वहाँ के एक फेमस डॉक्टर मंटे जोमेरी, वो और उनके टीम इस शोध में लगे हुए हैं और इस सर्जरी के लिए जिन्होंने अपने शरीर को डोनेट किया है उनका नाम है मिस्टर मॉरिस मिलर। ये एक 57 ईयर्स के मेल हैं जिनको डॉक्टर ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। वी ट्रांसप्लांटेड एन अल्फा गैल नॉकआउट किडनी विद द पिग्स थायमस इनटू अ जेंटलमैन हु हैड बीन डिक्लेयर्ड डेड बाय न्यूरोलॉजिक क्राइटेरिया। यानी कि उनका शरीर ठीक से काम नहीं करता है, पैरालिसिस हो चुका है और सिर्फ उनका हार्ट और उनका सांस ही काम कर रहा है। But he still had a beating heart and was dependent on a ventilator. उन्होंने अपने शरीर को डोनेट किया ताकि ये हमारे ह्यूमन काइंड को रिसर्च के जरिए एक नया होप दे सके किडनी के मरीज के पेशेंट्स को। Mo, as I like to call him, was a kind, giving brother who loved life and always lent a helping hand. It is only fitting that his final act, he will be helping so many in the need through this innovative medical advancement. यह सर्जरी 14 जुलाई 2023 में यह परफॉर्म किया गया था और इस चीज के लिए जिस पिग का इस्तेमाल किया गया था वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग है जिसे हम गाल सेफ पिग कहते हैं। The pigs that were used to produce this kidney in this study are bred. They're not cloned, which means that the gene edits are stable and consistent between pigs, and there's no variation in the dose of the edits. Because they're bred and not cloned, they can be scaled much more easily to provide an unlimited source of kidneys for patients who need them. Actually, pig ke kidney ko human body mein transplant karne ke upar bahut pehle se research chal raha hai, lekin डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट लोगों को इस पर सफलता नहीं मिल रहा था क्योंकि किडनी को ह्यूमन बॉडी में डालते ही वो उसे रिजेक्ट कर देता था। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो शरीर है अल्फा गल नाम का जो जीन है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शरीर में आते ही तुरंत उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसे तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है। अल्फा गल इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमंस हैव हाई लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट which causes hyperacute rejection. तो इस बार डॉक्टर्स ने वही किया, उन्होंने अल्फा गल नाम का जीन को नॉकआउट किया यानी कि वहाँ से निकाल दिया और फिर वहाँ से किडनी को उस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया। We transplanted an alpha gal knockout kidney with the pig's thymus into a gentleman. डॉक्टर्स की टीम जब इसे सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर लेते हैं फिर ये सब जान करके सारे डॉक्टर्स के माहौल में, सारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच में एक खुशी का लहर पैदा हो जाता है कि एक महीने के बाद भी किसी भी प्रकार का रिजेक्शन का शाइन नहीं है, वो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है और वो यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक अच्छा साइन है। The 1 month kidney biopsies and kidney tests show no evidence of rejection and normal renal function and clearance of toxins. The pig kidney appears to replace all of the important tasks that the human kidney manages. और अब वो मिड सितंबर तक इनको इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखेंगे कि ये कितने लॉन्ग टर्म तक इस किडनी को वो सपोर्ट कर सकते हैं। This study is ongoing and we have authorization to continue for a total of 2 months. तो हम सब का नज़र इस सर्जरी पे रहेगा कि क्या क्या इसका आउटकम होता है। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल रहता है तो एक कंटिन्यूस सोर्स मिल जाता है ऑर्गन का, कई सारे प्रॉब्लम्स जो कि डोनर का नहीं मिलना, इन सब के प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा।